ये करके दिखाओ, ये फिर ये। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिनेस और आप देख रहे हैं नोट गेमिंग। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सॉल्ट एडन के बारे में कि PPSSPP का गेम है जिसकी ISO फाइल 800 MB की है। उसको मैंने कंप्रेस्ड किया है सिर्फ और सिर्फ 85 MB के अंदर। आपको 85 MB हमने देखकर इस गेम को डाउनलोड करना है। और जो गेम मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ वो गेम आप भी खेलोगे अपने एम्यूलेटर के अंदर, अपने फ़ोन के अंदर। गेम प्ले तो अभी आप देख सकते हो, नई नई बाइक्स आपको मिल जाती है और नई नई कार्स भी आपको तो मिल जाती है। अपने एंड्रॉइड के अंदर असॉल्ट एड तो खेला ही होगा, ये भी असॉल्ट है लेकिन ये PPSSPP का है तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस है। गेम प्ले देखकर आप समझ गए होगे कि गेम किस कैटेगरी का है और क्या क्या इस गेम के अंदर आपको मिल जाता है। और ये गेम आपके फ़ोन के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलने वाला है। और बात करूँ सेटिंग्स की तो एकदम नॉर्मल सेटिंग चाहिए इस गेम के लिए। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि इतना कुछ करना पड़ेगा, एकदम नॉर्मल सेटिंग चाहिए। उसके बाद ये गेम आराम से रन करेगा और आराम से इस गेम को एंजॉय करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बताता हूँ इस गेम का पासवर्ड क्या है और इस गेम को कैसे चलाना है अपने एम्यूलेटर के अंदर और क्या क्या सेटिंग्स करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ZRTOR ओपन कर देना है। उसके बाद आपको एक फाइल दिख रही होगी असॉल्ट एडन के नाम से, उस पर क्लिक कर दीजिए। एक्सट्रैक्ट हेयर या पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड है पूरा स्मॉल में GT स्पेस 2 स्पेस बाय स्पेस एंड्रॉइड स्पेस गेमिंग डन ओके। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको इस zip फाइल को डिलीट कर देना है, इसका कोई काम नहीं। ठीक है, अब जो फोल्डर मिल चुका है उसके अंदर जाइए और आपको इधर दो फोल्डर्स दिख रहे होंगे, गेम का और सेकंड स्क्रीनशॉट्स का। कुछ स्क्रीनशॉट दे रखे और कुछ मैंने ऑल डिटेल्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। और जो गेम का फोल्डर है उस पर क्लिक करिए और आपको एक ISO फाइल दिख रही होगी। देख सकते हैं ISO फाइल का जो साइज़ है वो 843 MB है और जो zip फाइल का साइज़ था वो 85 MB था। तो अब आपको होम स्क्रीन पर आ जाना है और PPSSPP गोल्ड ओपन करना है, या आपके पास अगर नॉर्मल PPSSPP एम्युलेटर है तो उसे भी ओपन कर सकते हैं। मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो आप देख चुके हैं, हम आ चुके हैं अपने एम्युलेटर के अंदर और अब आपको जाना है गेम्स के अंदर और आपको जहाँ हमने इस गेम को एक्सट्रैक्ट किया था वो फोल्डर ओपन कर लीजिए। और ये आपको दिख रहा होगा असॉल्ट और गेम के अंदर एक्सट्रैक्ट किया था। और अब आपको दिख रहा होगा इस गेम का लोगो और क्लिक करते ही गेम ओपन हो जाएगा। पर आपको वो सेटिंग्स कुछ बता देता हूँ ताकि वो सेटिंग करते ही गेम आराम से रन करेगा। क्लिक करें सेटिंग्स पर, उसके बाद आपको क्लिक करना है मोड पर और स्किप बफर इफेक्ट्स पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ऑटो फ्रेम स्पीक पर क्लिक कर दीजिए। नीचे आइए और यहाँ से डिस्प्ले रेजोल्यूशन को 3 कर दीजिए। उसके बाद आपको इन तीनों को टिक कर देना है, इसे हाई से मीडियम कर देना है। नीचे आइए, यहाँ पर क्लिक करें 16। उसके बाद आपको टाइमर है और डिसेबल स्ट्राइक टेस्ट पर क्लिक करें। ऑडियो में आइए और इसे अनेबल साउंड पे अनटिक कर दीजिए। उसके बाद बैक आइए और गेम के आइकन पर क्लिक। और फिर आपका जो गेम है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत और बिना किसी प्रॉब्लम के। देख सकते हैं हमारा गेम ओपन हो चुका है और अब इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से ये गेम चलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो नीचे आ रहे रेड कलर के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।